हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त। आज की इस अमेजिंग वीडियो के अंदर मैं आपको एक नया मैजिक और एक नया फार्मूला बताने वाला हूं। इस फार्मूला की हेल्प से अगर मान लीजिए पूरे के पूरे एक्सेल के अंदर अगर आपने किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई फार्मूला लगाया हुआ है तो वो फार्मूला क्या है, उसके अंदर आपने कौन सा रेफरेंस पास किया है, ये फार्मूला को आप शो कर सकते हैं और किसी के भी सामने आप इसको दिखा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आपने ये इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है और वो फार्मूला मल्टीपल शीट से जो है रेफरेंस में ऐड होकर आया हुआ है, तो वो फार्मूला अगर आप किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, तो वो आप फार्मूला कैसे शो कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, कुछ क्वांटिटी हैं, कुछ रेट हैं और इनका जो टोटल है क्वांटिटी प्लस रेट का वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। ऑलराइट, और पैरेलली इनका जो सम है वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इन सेल्स के अंदर जो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है वो फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे इज इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट। ये एक नया फॉर्मूला है जो क्या करता है कि अगर आप किसी सेल को पास करते हैं तो उस सेल के अंदर क्या फॉर्मूला यूज किया गया था, इसका पूरा का पूरा रेफरेंस जो होता है वो आपको शो कर देता है। उसके बाद टैब को प्रेस करेंगे और फॉर्मूला को ऑटो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जिस सेल का फॉर्मूला आप शो कराना चाहते हैं उस सेल को आप सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर देंगे तो आपको बता देगा कि इस सेल के अंदर जो आपने फॉर्मूला यूज़ किया है वो क्या है और उसके अंदर कौन कौन से सेल का रेफरेंस आपने पास किया हुआ है। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने इस सेल के अंदर इन इन सेल्स का रेफरेंस पास किया है जिसका फॉर्मूला ये है, और लास्ट वाले सेल के अंदर मैंने सम फार्मूला यूज़ किया जिसका सेल रेफरेंस ये है। ऑलराइट, सो ये एक नया फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर जिसकी हेल्प से आप ये सब कुछ जान सकते हैं। एंड आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ईजी और बहुत यूनिक लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो के अंदर एक नए मैजिक ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।